दोस्तों, महाकाश विज्ञान का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है, क्योंकि इसका कोई एक पर्टिकुलर केंद्र नहीं होता। इसके ऊपर निरंतर काम चलता ही रहता है। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि ज़्यादातर महाकाश संस्था डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी तरीके से सरकारी अनुदान से ही चलता है, लेकिन स्पेस में चल रहा अनुसंधान और उससे जुड़े अन्य मिशन के साथ कई निजी कंपनियां भी जुड़ी हुई हैं, और उनमें से सबसे चर्चित संस्था है स्पेसएक्स एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन, जिसको हम स्पेसएक्स नाम से जानते हैं। 2002 में प्रख्यात आविष्कारक, व्यापारी और इंजीनियर एलन मस्क ने स्पेसएक्स को स्थापित किया था। दुनिया में सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे कोई निजी कंपनी ने अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था तो वो था स्पेसएक्स। मतलब इस संस्था ने निजी क्षेत्र में कमाल का काम किया है, और इसके सफलताओं की लंबी लिस्ट है। उनमें से कुछ खास तथ्य को आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। स्पेसएक्स के वैज्ञानिकों को लगता था कि अगर एक एरोप्लेन बार बार यात्रियों को ले आ जाने में काम कर सकता है, तो एक रॉकेट को क्यों बार बार यूज नहीं किया जा सकता। और तब उन्होंने फैल्कन 9 नाम से एक रॉकेट बना डाला, जो महाकाश में पेलोड्स को छोड़कर दोबारा लॉन्चिंग साइट पर वर्टिकली लैंड कर सकता है। दुनिया का पहला वो निजी कंपनी स्पेसएक्स ही था जिसने सफलतापूर्वक अपने कार्गो स्पेसक्राफ्ट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था। दिसंबर 2012 में ड्रैगन नाम का ये स्पेसक्राफ्ट अपने पहले सामान ले जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे डॉक किया था। नासा स्पेसएक्स के साथ दोबारा एक करार के बाद कई बार ड्रैगन को ISS में भेज चुका है। हालांकि कई बार लॉन्चिंग के दौरान या फिर लॉन्च के कुछ ही समय के बाद स्पेसएक्स को विफलताओं को भी देखना पड़ा। ड्रैगन 1 को आखिरी बार 7 मार्च 2020 में 1977 किलो के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया, और 29 दिन 48 मिनट रहने के बाद उसे रिटायर भी कर दिया गया। अब उसके जगह ड्रैगन 2 अपना काम करेगा, जो कि एक और रीयूजेबल कार्गो स्पेसक्राफ्ट है। 2018 को स्पेसएक्स अपने टेस्ला गाड़ी में स्टारमैन नाम से एक पुतला महाकाश भेज चुका है। इनको स्पेसएक्स के द्वारा बनाया गया फैल्कन हेवी रॉकेट के सहारे महाकाश में प्रक्षेपण किया गया था। इतने दिनों तक चलने के बाद वो कार अभी फिलहाल मंगल ग्रह के ऑर्बिट से अलग एलिप्टिकल हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट में है। ये ऑर्बिट साधारण ग्रहों के ऑर्बिट से अलग है, इसके कारण अन्य ग्रहों से कार को टकराने का चांस भी कम है। अब तक एक कृत्रिम उपग्रह बन चुका कार और उसका सवारी 2019 तक सूर्य का एक चक्कर भी लगा चुका है। एलन मस्क का उद्देश्य महाकाश को आम जनता तक और नज़दीक से दिखाना है, और वो मंगल ग्रह में इंसानों के रहने लायक बस्ती बनाने के उद्देश्य रखते हैं। अपने दूरदर्शिता के कारण 2016 में उन्होंने एक ऐसा तकनीक दुनिया के सामने रखा जिसके सहारे इंसान एक ग्रह से दूसरे ग्रह भ्रमण कर सकता है। उन्होंने इस सिस्टम का नाम रखा स्टारशिप। दोस्तों, दुनिया का इतना बड़ा कंपनी जिसका हेडक्वार्टर किसी बड़े शहर के ऊंचे बिल्डिंग में हो सकता था, लेकिन ऐसा ना होके बल्कि कैलिफोर्निया शहर के पास बना हुआ एक साधारण एयरपोर्ट में है। जी हाँ दोस्तों, हॉथरोन म्यूनिसिपल एयरपोर्ट के दक्षिण पूर्व प्रांत में है स्पेसएक्स का हेडक्वार्टर। वहाँ कई सारे फ्लोर नहीं बने हैं, उपरंतु एक ही बड़ा सा फ्लोर बना है जहाँ कंपनी के एम्प्लॉय से लेकर वहाँ के मालिक और CEO एलन मस्क एक ही साथ काम करते हैं। वहाँ एलन मस्क के लिए अलग सा स्पेशल केबिन नहीं बना हुआ है। फैल्कन 9 जो कि एक रीयूजेबल रॉकेट है, एलन मस्क मानते हैं ये रॉकेट नासा के द्वारा बनाया गया रॉकेट से कम कीमती और टिकाऊ है। रॉकेटों का इतना कम खर्च होने का कारण यही है कि रॉकेट का 80% भाग स्पेसएक्स के वहाँ बनता है। USA सरकार का एक सरकारी करार है जिसको IDIQ यानी इंडेफिनिट डिलीवरी बाय इंडेफिनिट क्वांटिटी बोलते हैं। इसके तहत स्पेसएक्स अब यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए भी डीप स्पेस क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी और स्पेस टेस्ट प्रोग्राम 2 नाम से 2 सैटेलाइट्स महाकाश में भेज चुका है। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व कोफाउंडर पॉल जी एलन का कंपनी स्ट्रैटोलॉन्च LLC के साथ स्पेसएक्स स्ट्रैटोलॉन्च सिस्टम नाम का एक प्रोजेक्ट शुरू कर चुका था 2011 में। इस प्रोजेक्ट में आधुनिक टेक्नोलॉजी के 2 दिग्गज एक साथ हुए, लेकिन स्पेसएक्स का सपना दूसरा था। वो अपना यात्रा मार्स तक तय करने चाहते थे।
इसके ऊपर स्पेसएक्स फैल्कन 9 एयर जैसा बेहतरीन और रीयूजेबल रॉकेट बनाने में बिजी हो गया था। इस कारण दो कंपनियों के बीच करार टूट गया था। एलन मस्क चाहते हैं भविष्य में स्टारलिंक जैसा प्रोजेक्ट शुरू हो। हालांकि 22 फरवरी 2018 में इसका शुरुआत भी हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के तहत 1500 से ज़्यादा सैटेलाइट्स महाकाश में छोड़े जाने हैं और 2021 या फिर 2022 तक पूरी दुनिया में सारे सैटेलाइट्स मिलकर एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रदान करेगा। इन सब सैटेलाइट्स को धरती में बने ट्रांसीवर से कंट्रोल किया जाएगा और तब एक बेहतरीन कमर्शियल इंटरनेट सेवा शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, स्पेसएक्स एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि आज हर वो बच्चा जो कि भविष्य में महाकाश विज्ञान का हिस्सा बनना चाहता है, वो अपने आँखों से इस महाकाश को परखने का और इंतज़ार नहीं कर सकता, क्योंकि स्पेसएक्स ने मंगल ग्रह में मानव बस्ती बसाने से लेकर महाकाश में ग्रहों में घूमने का जो सपना हमें दिखाया है, वो सच में सराहनीय है। तो दोस्तों, ये था स्पेसएक्स के बारे में कुछ अनोखे बातें। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।